हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि चेहरे को साफ करने के लिए और चमकदार बनाने के लिए अक्सर फेशियल का प्रयोग किया जाता है और हम अक्सर यही कहते हैं कि हमें केमिकल से भरे फेशियल का इस्तेमाल करने की बजाय हर्बल या फिर फ्रूट फेशियल का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आप फ्रूट फेशियल किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि फ्रूट फेशियल किया कैसे जाता है। स्टेप वन है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग का मेन एजेंडा होता है आपके चेहरे से सारी डर्ट और गंदगी को बाहर निकालना। क्लेंजिंग करने के लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के अंदर आप रुई भिगोइए और उसे अपने पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से मसाज करिए। ऐसा करने से त्वचा से सारी गंदगी साफ हो जाती है। जब आप अच्छे तरीके से दूध से अपने चेहरे पर मसाज कर लें तो 10 मिनट रुकने के बाद चेहरे को पानी से धो लें। स्टेप टू है स्क्रबिंग। स्क्रब करने के लिए एक चम्मच ओटमील के अंदर एक चम्मच नींबू के छिलके का पाउडर और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें और इसी पेस्ट से आप अपने चेहरे पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। ये आपके चेहरे की गंदगी को साफ करके बंद पोर्स को खोलने में मददगार है। स्टेप थ्री है लाइटनिंग। चेहरे को लाइट करने के लिए आप चेहरे पर कम से भी कम 10 मिनट तक शहद से मसाज करें। शहद एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है और यह त्वचा की रंगत को निखारने में मदद करता है। स्टेप फोर है पोर्स को खोलने के लिए। पोर्स को खोलने के लिए आप गर्म पानी करें और उसी से अपने चेहरे को भाप दिलाएं। ऐसा करने से त्वचा के बंद पोर्स खुल जाते हैं और गंदगी साफ होती है। स्टेप फाइव है फ्रूट फेशियल। इस फ्रूट फेशियल को बनाने के लिए आपको जरूरत है टमाटर के रस और नींबू के रस के। दोनों को समान मात्रा में मिलाकर कम से भी कम आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखें और उसके बाद से बाहर निकालकर इसके अंदर एक चम्मच शहद मिला लें। शहद मिलाने के बाद इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद वॉश कर लें। स्टेप सिक्स है मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना। मॉइस्चराइजर लगाने के लिए खीरे को काट कर उसे ही अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से मसाज करें और 10 मिनट के बाद चेहरे को वॉश कर लें। सो दोस्तों, ये सारे स्टेप्स हैं फ्रूट फेशियल करने की घर पर घरेलू नुस्खों से और घरेलू चीजों से। इनका इस्तेमाल जरूर करिए और अपने चेहरे को और ज्यादा ग्लोइंग और रेडियंट बनाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।